तीन ऐसे जानवर जो सच में विलुप्त हो चुका था लेकिन साइंटिस्टों ने कड़ी मेहनत से फिर से जिंदा कर दिया। नंबर वन पर आता है प्लैटिपस फ्रॉग। दोस्तों यह फ्रॉग 1950 में विलुप्त हो चुके थे। दरअसल दोस्तों जहां इंसान और जानवर अपने बच्चे को पीछे से जन्म देते हैं वही यह फ्रॉग अपने बच्चे को मुंह से जन्म देते हैं, लेकिन 1971 में ऑस्ट्रेलिया के कुछ साइंटिस्ट ने इसे फिर से जिंदा कर दिया। नंबर टू पर आते हैं खूंखार और लंबी नौकीले दांत वाले और शेरों के राजा कहे जाने वाला स्माइली डॉन नाम की एक कैट, जो कि आज से 10,000 साल पहले विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन 2012 में कुछ लोग शहर के बीच इस कैट को घुमाते हुए नजर आए। लेकिन यह कैट आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई थी, जो कि बिल्कुल एक स्माइल डॉन की तरह लग रही थी। और नंबर तीन पर आते हैं यह जानवर जो कि विलुप्त होने की कगार में है। ओ तेरी बहन की लग गई।